और चलिए सीधे आपको लेकर चलते हैं विधानसभा। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली क्या कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। या जवाब आधे अधूरे दे रहे हैं, ये बात हम पहले दिन से कह रहे हैं और आज भी। एक बड़ा घोटाला वन विभाग के अंदर जो आज जवाब दिया गया है सदन के अंदर, जिसमें जीवित पौधों की संख्या पूछी गई है कि सरकार हर साल लाखों करोड़ों जो पौधे लगा रही है उसमें जीवित कितने हैं, तो मुझे बड़ा दुख हुआ और मैंने सदन में भी इस बात को रखा कि जो भी आंकड़े हैं अंदाजे से 8400, 8500, 9000, 9500 इतने जीवित संख्या बता रहे हैं, जो कि मैं समझता हूँ ऐसा हो नहीं सकता कि 10000 में से 9100 जीवित हों। हो सकता है 9100 10 भी हों, 9100 3 भी हों या 9002 भी हों। तो पूरे आंकड़े हर साल के हर गांव के इसी प्रकार के आंकड़े हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, जब हमने खाद्य सुरक्षा का क्वेश्चन लगाया तो खाद्य सुरक्षा के अंदर भी मंत्री गोलमाल जवाब दे रहे हैं, दिव्यांगों के जो कार्ड जुड़ रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं, जो भारत सरकार ने शहरियों को जोड़ने की बात की है उसकी बात कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा, दिव्यांगों को जोड़ने का काम हमारे समय में हमने शुरू किया था, माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी दिव्यांगजनों को BPL के समान सुविधाएं देने की, उसके तहत वो नाम जुड़ रहे हैं। उसमें भी आज बहुत से नाम नहीं जुड़े हैं जो इन लोगों ने रोक रखे हैं। इन लोगों से सीधा सा क्वेश्चन था कि आप लोग बताइए पोर्टल कब खुलेगा और गरीब लोगों के नाम कब जुड़ेंगे, मंत्री उसका जवाब नहीं दे पाए। इसी प्रकार से जो स्कॉलरशिप का जो मामला आया, स्कॉलरशिप के अंदर मंत्री जवाब दे रहे हैं कि पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा स्कॉलरशिप के प्रयास नहीं किए गए।